स्वामी जी, बढ़ा हुआ वजन यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई अगर शरीर में हो जाए तो फिर इसका मतलब ये भी होता है, हालांकि कई बार मैंने ये देखा है कि होते हैं लोग दुबले पतले लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, लेकिन जिनका वजन शरीर पर ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर बैली फैट और थाइस पर बहुत ज़्यादा वजन होता है, उनका तो 100% कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता ही है। तो पेट के लिए कौन कौन से योगाभ्यास होने चाहिए जिससे कि वो जो शुरुआत में अमित ने कहा था ना फैमिली पैक है, वो फैमिली पैक से सिक्स पैक हो जाए, चलिए उतना ना हो, फ्लैट ही हो जाए, फोर पैक ही हो जाए। लेट करके तो ये दो अभ्यास जो दोनों पैरों से कर सके तो बात अच्छी बात है, अर्धनासन में पे एक एक पैर से ऐसे, और ये पादवृत्तासन ऐसे, कितना अच्छा है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, इससे थाई बटक सिप से एकदम हल्के हो जाते हैं। कल मेरे साथ रे रामा रामा जो बेटा कर रहा था विक्रम और राकेश, उसमें तो एक एक पैर में ही मेरे जितना वजन था, मेरा वजन 67 रहता है पिछले 30 सालों से, और ऐसे ही थाई बटक सिप साल के हो जाएंगे जिनके कितने भारी भरकम हो, ओहो एकदम मूसड़ भर के हाथी भर के पैर हो जाते हैं ऐसे, और ऐसे ये तो थाई बटक सिप्स जो भारी भरकम हो गए उनके लिए, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेदो हरबटी गोधन अर्क वेट को और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा, और फिर ये बेली फैट के लिए ये अपना बेलन घुमाओ और बेली फैट को घटाओ और हवा में साइकिल चलाओ ऐसे, और बैठ करके ये दो अभ्यास। हाँ देखो मेरी तरह से साइकिल चलाना, दौड़ लगाना, दौड़ना तैरना खेलना सब भूल गए बच्चे, हाँ बहुत जरूरी है ये तो अभ्यास, कितने अच्छे हैं। इससे तो पेट ना पूरा देखो कचूमर सा निकल जाता उसका, यहाँ देखना, यहाँ फोकस करो भाई, बेली फैट कहाँ बचेगा, कमर का कबाड़ा हो रखा है, कमर का कमरा हो रखा है, पेट इंडिया गेट हो रखा है, ये सब कितना अच्छा कर रहे हैं हमारी अफ्रीका वाली बहनें भी प्यार प्यार से। तो इसका थोड़ा हाथ दुखता है तो बीच बीच में हाथ को भी पकोड़ रही है, दिस पेन विल बी क्योर थ्रू गार्लिक, टुडे वी विल टू वन recipe, we will teach one recipe of garlic, huh? You learn this and you eat this garlic daily, then ये कंधे का दर्द पूरा चला जाएगा। खैर जिनको मोटापा ज़्यादा है उनको गर्म पानी पीना, और जो कोलेस्ट्रोल के उपाय बताए थे सेम वही उपाय ओबेसिटी के लिए भी हैं। हाँ खाने पीने पर कंट्रोल रखें, कुछ तो 2 इंच की जीव, जिंदगी है इतनी बड़ी, जीवन अनादि और अनंत, जैसे पंछी ऊपर आसमान में उड़े जा रहे हैं ऐसे जीवन अनादि और अनंत की यात्रा है, तो हम लोग 2 इंच की जीव, 900 साल का लंबा जीवन, 5-6 फीट का शरीर, इसको 2 इंच की जीव के स्वाद के चक्कर में खराब कर देते, इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में अस्वाद व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है, अस्वाद व्रत, टेस्ट के चक्कर में स्वाद के चक्कर में जिंदगी का मजा ही किरकिरा कर देते हैं, तो ये मामला गड़बड़ है बचो। रसना और वासना को जीतो योग की उपासना के द्वारा, और आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो, ये रोगों पर और सब प्रकार की दुर्बलताओं पर अधीनताओं पर विजय पाओ, ये है मेरी बहन योग की यात्रा, योग का साधन, योग का अनुष्ठान, और इसमें कपालभाति प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है जो कुछ ना कर सके,